मैं बनाऊंगी ड्रम स्टिक की सब्जी। ड्रम स्टिक की सब्जी को मैंने आज आलू में और सरसों के मसाला के साथ बनाया है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ड्रम स्टिक की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ड्रम स्टिक, 3 मीडियम साइज के आलू, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इसे आज मैं बनाऊंगी सरसों मसाला के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से सरसों के दाने लिए हैं, 5-7 कलियाँ लहसुन के लिए हैं, 2 लाल मिर्च लिए हैं, थोड़े से जीरा लिए हैं और एक छोटे साइज के एक प्याज लिए हैं। इन्हें मैं इनका फाइन पेस्ट बना लूँगी। यहाँ मैं एक कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं 1 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल लूँगी और इसमें ड्रम स्टिक को भून लूँगी। ज़्यादा भूनने से ये हार्ड हो जाएंगे। मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल में मैं अब राई और मेथी का फ़ोरन डालूंगी। जब ये थोड़े से चटक जाएंगे फिर इसमें मैं आलू डालकर आलू को भी थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। हमारे यहाँ बिहार में ड्रम स्टिक को सोहिजन कहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है। हमारे आलू जो हैं वो भून चुके हैं। अब मैंने जो ये मसाले पीसे हैं उनका पेस्ट अब मैं इसमें डालूंगी। हल्दी डालकर इसे मैं अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी, जिससे कि मसाला का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मसाले के साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। देख सकते हैं कि इसमें साइड से तेल जो है वो रिलीज हो चुके हैं। टमाटर डालने के बाद इसे ढक कर सीम आंच पर इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। देख सकते हैं कि हमारे टमाटर जो है एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर इसे पका लूंगी। अब मैं इसे ढककर 2 से 3 मिनट पका लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सब्जी जो है बनकर रेडी है। मैंने इसमें थोड़ा सा रस रखा है क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी सी रस वाली सब्जी पसंद है। आप चाहें तो इसे और भी पानी को इसके सुखा सकते हैं। मेरे आलू भी हैं, वो भी देख सकते हैं कि अच्छे से पक चुके हैं और ये सब्जी बिल्कुल परफेक्ट है बने हैं। आप इसे एक बार जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।